बॉर्डर पर भारत और चीन की तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा सरप्राइज दिया। देश के जवानों का हौसला बढ़ाने और ग्राउंड सिचुएशन को खुद देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह अचानक लेह दौरे पर पहुंचे। मोदी के लद्दाख दौरे की ये पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री और CDS बिपिन रावत कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके ठीक सामने बैठे हैं सेना के जवान। यहां सेना के अधिकारियों ने मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। आपको बता दें कि मोदी सुबह लद्दाख की जिस जगह पर पहुंचे उसका नाम नीमू है। ये लेह से द्रास की तरफ पड़ता है। मोदी सुबह सुबह ही यहां पहुंच गए थे। वहां उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और ITBP के जवानों से बातचीत की। ये बॉर्डर की फॉरवर्ड लोकेशन है जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी लेह में भर्ती उन जवानों से भी मिलेंगे जो गलवान में हुई हिंसक झड़प में घायल हुए थे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा चीन के लिए एक कड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने अचानक यहां पहुंचकर साफ कर दिया कि पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है और बॉर्डर पर किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।